हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूं। दोस्तों, जैसा कि अब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अभी 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ प्रैक्टिस सेट बाकी है और जल्द से जल्द सबको अपलोड करने की कोशिश करूंगी आपको एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, इससे पहले मैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। सभी वीडियो को आई होप कि आप देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी और ईएमआरएस दोनों परीक्षा आपके नज़दीक हैं, और इसके अलावा यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी वीडियोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों, आप सबको पता है 5 छल्ले होते हैं, और नीला, पीला, काला, हरा, लाल जो 5 महादेशों के प्रतीक होते हैं, महाद्वीपों के, दुनिया की एकता को दर्शाता है। ओलंपिक झंडे जो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है, इसको 1920 एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया। इसको बनाया था 1913 में पियर डी कुबर्टिन ने। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो ये हरा रंग का होता है, ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसी के द्वारा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो आप सबको पता है ग्रीस यानी यूनान देश के एथेंस के ओलंपिया शहर स्थित है। ओलंपिया जो जहाँ पे प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, और आधुनिक ओलंपिक खेल भी यहीं से शुरुआत हुआ था 1896 6 अप्रैल से। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों, वो है सचिन तेंदुलकर। टेस्ट शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिसने 1990 में ओल्ड ट्रेफर्ड में इंग्लैंड के विरुद्ध शतक बनाया था, तब सचिन की आयु जो है मात्र 17 वर्ष 12 दिन का था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, बाई का संबंध है। तो दोस्तों, बाई किस में दिया जाता है? टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिताओं में। प्रतियोगिता 3 प्रकार की होती है, नॉकआउट, लीग या राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज टूर्नामेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते, उसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि हर वीडियो में ये आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक का कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट प्रैक्टिस कराया गया है। तो संकुचन में लंबाई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइसोमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि तन्यता मेजर किया जाता है, और जोड़ों के कोण को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोरंजन खेल एक भाग है, तो किसका भाग है? दोस्तों, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। अश्वेत रक्त कणिकाएं जो है व्यक्ति की रोग कारक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है, यानी कि रोगाणुओं से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टैलिन पाया जाता है, तो टैलिन लार में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो यह है हृदय, जो हमेशा जीवन प्रयत्न कार्य करता रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, रंग वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो यह विटामिन ए के कारण होता है, इसमें लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, यानी कि कलर वर्णता रंग के भेद, रंगों का प्रकाश में रंगों को कौन दिखाता है, कौन से, ठीक है। एंड रात्रि में वस्तुओं को आभास करने का कौन कराता है? तो रोड सेल, याद रखिएगा।
एंड आंखों में रोना कौन से पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्भ निरोधक गोलियों को आविष्कार किसने किया था? तो पिनिकस ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? तो डीएनए की जांच द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्न में से कौन से हैं? तो हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सभी हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं, यह किसने कहा है? तो यह कहा है डेलबर्ट आवरेट यूफर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, ताकतवर मांसपेशियां ही स्वास्थ्य की सर्वोत्तम सूचक मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास 36.81 मीटर है तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी? तो 284.31 होगा, 84.31 होगा, यानी कि ट्रैक की लंबाई माइनस 2πr/2 ऐसे करेंगे तो आपका निकल जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन अभिव्यक्ति के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो उद्गार का सिद्धांत यानी इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, ठीक है, जो जन्मजात क्रिया होता है। तो जो जीवों की स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं, जिसे सहज वृत्ति में कोई प्रशिक्षण देना बिना ही प्रयोग के लिए यह तैयार रहती है, इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जैविक ये प्रवृत्तियां जो है जैविक रूप से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई 270×180 मीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, खो खो खेलों में मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, जैसे कि खो खो में मैदान की लंबाई पहले 29×16 था, अब 27×16 मीटर हो गया है, और उसमें 27 मीटर आपका लंबाई होता है ग्राउंड की, उसमें लाबी की लंबाई होती है 1.5 मीटर, तो 1.5×3 आपका हो गया, दोनों तरफ चौड़ाई जोड़ा जाएगा तो यानी कि 27×3 30 हो गया, यानी कि कुल लंबाई हो गया लाबी सहित खो खो के मैदान की 30 मीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन संबंधित है? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था? तो ईरान को हराकर, जैसा कि आप जानते हैं प्रथम एशियाई खेल भारत में 1951 में हुआ था और दूसरी बार भारत में 1982 में हुआ था, और 2023 में हुआ है 2022 वाला हुआंगझो चीन में, जिसे भारत का चौथा स्थान है और भारत ने 107 पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? तो वह है महावीर चक्र। जल थल और नव सेना के क्षेत्र में सैनिकों को विशेष पराक्रम, साहस, वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है, इसका पदक रजत का बना होता है। हीमोग्लोबिन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, यानी आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को लेकर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है, मतलब उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, इसमें हमारा जैसे किडनी यूरिन बाहर निकलता है, पसीना से हमारा त्वचा से पसीना निकलता है, ठीक है, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर निकलता है, ये सभी उत्सर्जन का कार्य करते हैं, और मुख्य उत्सर्जन तंत्र का भाग है ब्रिक यानी किडनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन करता है? तो दोस्तों, उद्घाटन करता है मेजबान देश का अध्यक्ष या राष्ट्रपति, और समापन करता है IOC का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यह मेजबान देश का अध्यक्ष करता है, तो यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है,
जूडो में अधिकतम पॉइंट कितना होता है? तो अधिकतम पॉइंट वाला होता है 51। क्वेश्चन नंबर 29 है, शारीरिक शिक्षा के गुण होने चाहिए। तो जिस विषय को शारीरिक शिक्षा में पूर्ण निपुणता होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, उपरोक्त सभी गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी एम्ब्रोवर्ट यानी कि दोनों का सम्मिलित रूप होता है उभयमुखी, इसको बांटा है कार्ल यंग ने। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने स्वयं में रुचि रखते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली समय का सदुपयोग होता है तो पिकनिक में, एक प्रकार का मनोरंजन में। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी संक्रामक बीमारी हेंसेस डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी जो है हेंसेस डिजीज के नाम से जाना जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, पिरामिड टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो यह चैलेंज टूर्नामेंट से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थों से 96% भाग बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आता है एंड नाइट्रोजन आता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से 96% भाग बना होता है और खनिज लवणों से 4% भाग बना होता है। यहाँ पे 4% आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो मक्खन यकृत अंडा इन तीनों में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, जिसके कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया में क्या होता है? दोस्तों हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, एक प्रकार का आपका अनुवांशिक रोग होता है, इसमें कटने फटने के बाद रक्त बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया यह भी कहलाता है, तो माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र इसको कहा जाता है। इसी में कोशिकी श्वसन के द्वारा, वायवी श्वसन के द्वारा यानी आपसी श्वसन के द्वारा, क्रेब्स चक्र के गठन के द्वारा ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नोनीता लाल संबंधित है, तो नोनीता लाल जो है वह गोल्फ खेल से रिलेटेड है, गोल्फ से संबंधित है। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गोल्फ खेले जाने का शुभारंभ हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त के प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो 90% जल 8% प्रोटीन होता है और मिनरल्स एंड नमक सॉल्ट जो है बचे हुए में होता है 1% में। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, जो हिपेरिन का निर्माण करती है, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन एकत्रित करके स्टोर करती है, बिलिरुबिन का निर्माण करती है, पित्तरस का निर्माण करती है और यूरिन का निर्माण करती है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन अधिक मात्रा में होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, भारत पाकिस्तान का हॉकी है, क्रिकेट जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हॉकी राष्ट्रीय खेल है, जूडो जो है वह जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 50x25 मीटर यानी 50 मीटर लंबाई होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है? दीर्घकालीन चोट का मतलब होता है खेलते हुए दर्द करना, यानी कि इसमें आपको नॉर्मल स्थिति पता नहीं चलता, जब कोई क्रिया करते हैं तो दर्द आपको महसूस होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है,
एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आना आ जाना यह क्रिया किस प्रकार के भार को दर्शाती है? तो प्लायोमेट्रिक्स में ऐसा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, हृदय की दीवार का मध्य कोर्स कौन सा है? तो तीन मांसपेशियों पर से बना होता है हृदय की दीवार, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम पेरिकार्डियम के दो परतों से बना होता है जिसमें सेरस नामक द्रव होता है, और दूसरा परत मध्य परत होता है मायोकार्डियम, और अंतिम परत होता है अंदरूनी परत एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम आकर राइट होगा, मध्य परत की बात बोला है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण क्या होता है? निम्न कोण उछाल होता है। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण निम्न कोण उछाल होता है जिससे बॉल की ऊंचाई तेजी से घटती है और विरोधी टीम को संभालने में और रिबाउंड करने हेतु बहुत कम समय मिलता है, और वॉलीबॉल खेल में टॉप स्पिन का प्रयोग खिलाड़ी स्पाइकिंग या सर्विस के दौरान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से डी की कितनी दूरी होती है? तो 16 गज दूर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, सारे कौशल का सीखना संबंध रखता है। तो संज्ञानात्मक सीखने से, प्रभाव के सीखने से, गत्यात्मक सीखने से, ये सभी प्रकार के सीखने से संबंध रखता है सारे कौशल के सीखने में। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों उचित पोषण भी आवश्यक है, खान पान और नियमित व्यायाम भी आवश्यक है, उचित दिनचर्या रहन सहन भी आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा की विधियां हैं। तो दोस्तों आपको रुचि रहेगी किसी में तब उस आपको प्रेरणा आएगी करने में, सफलता और सामूहिक कार्य, ये सभी क्या है? प्रेरणा की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो दोस्तों डिप्थीरिया जो है वो छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है। डिप्थीरिया किसमें होता है? छोटे बच्चे में। इसको रोहिणी भी बोला जाता है। वो यह कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया से फैलता है। यह हमारे कंठ कंठमाला भी कहते हैं क्योंकि कंठ में जाली बन जाता है जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, स्वेटलिंग कब संबंधित है? तो स्वेटलिंग कब पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का लगभग कितना परसेंट होता है? तो ओनली 2% होता है, 1450 ग्राम का होता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती है? यानी रक्त को फिल्टर करने का काम करता है ब्रिक यानी कि किडनी। क्वेश्चन नंबर 56 है, ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया था? तो 1948 में भाग लिया था। 1948, 1956, 1956, 1956, 1960 उसके बाद भाग नहीं लिया है। तो 1948 में सबसे पहले भाग लिया था। जिसमें से जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे टीम बेंगल, और भारत टीम अपना पहला मैच 2-1 से फ्रांस से हार गया था, और भारत की तरफ से सिर्फ एक गोल किया था सारंगपाली रमन ने। फिर दूसरी बार फुटबॉल में भारत ने भाग लिया 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, जिसमें कप्तान थे शैलेश मुन्ना, और भारत का टीम युगोस्लाविया से हार गई थी। फिर तीसरी बार भारत ने फुटबॉल में ओलंपिक में भाग लिया था 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिसे भारत के लिए ये अभी तक का सबसे अच्छा खेल रहा, और चौथा स्थान प्राप्त किया भारत ने 1956 में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर, और भारत पहली व आखिरी बार ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहा, उसके बाद कभी नहीं रहा। और चौथा बार भाग लिया 1960 रोम इटली में, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान पीके बनर्जी थे, और भारतीय पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और इस ओलंपिक के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? तो 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक
प्राप्त हुआ सबसे पहले। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द छेस खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ साउथ एशियन गेम का? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च कोऑपरेशन सार्क, इसमें दक्षिण यानी कि दक्षिण एशियाई संघ के जो देश हैं उनके बीच खेल जो है सबसे पहले खेला गया 1984 में। ठीक है, 1984 में खेला गया। एंड क्वेश्चन नंबर 59 है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा रेंज कितना होता है? तो सिस्टोलिक दबाव यानी कि ऐसे नॉर्मली 120-80 होता है, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, तो उस प्रकार के रेंज जो है 110 से 125 mmHg होता है और डायस्टोलिक दबाव का रेंज होता है 70 से 90 mmHg। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग है, तो ये सभी संक्रामक रोग हैं बट जो टीबी है वो जल्दी से आपका संक्रमण फैल जाता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संक्रमण आसानी से फैलने वाला रोग है, यह एक विशिष्ट संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है? यहाँ पे आपको मिलान करना है, जैसे कि जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, तो एटीपी को बोला जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ए का 1 हो जाएगा। एंड स्वास्थ्य क्या है, जीवन का आधार है, तो बी का 4 हो जाएगा, तो ए का 1 बी का 4। सी का क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्वास्थ्य झलक है, सी का 2 हो जाएगा। पोषण क्या है, अच्छे स्वास्थ्य का मूल, यानी पोषण लेने से ही आपके अच्छे स्वास्थ्य होते हैं, ये मूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूढ़ी को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी किसके रूप में जानी जाती है? तो सूढ़ी को मोड़ने में कौन प्रयुक्त होता है, सूढ़ी को मोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे चतुशिरस्क यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स हो जाएगा। कौन, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो हिप यानी कि कुल्हे को मोड़ने में और घुटने को प्रसार करने में काम आता है, प्रसार करने में, फैलाने में। तो दोस्तों क्वाड्रिसेप्स मसल जो जांघ के ऊपर होता है वो 4 पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, लिटरलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, 4 पेशियों से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स मसल, जो घुटने को फैलाने और हिप को मोड़ने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रा शिरा यानी कि हेमिस्ट्रिंग मसल्स का प्रयोग होता है? तो दोस्तों हेमिस्ट्रिंग मसल जो है 3 पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, यह घुटने को मोड़ने में काम आता है यानी कि नी फ्लेक्शन करने में। क्वेश्चन नंबर 64 है, खोखो की जो पोस्ट पोल होती है वो जमीन से कितना ऊंचा होता है? तो 120 से 125 सेंटीमीटर यानी कि 1.20 से 1.25 मीटर होता है ऊंचा। एंड क्वेश्चन नंबर 65 है, किन्हीं में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों, जैसा कि कुश्ती का आप महाभारत रामायण ये सभी चीजों में देखे होंगे, कुश्ती का पौराणिक ग्रंथ में मिलता है उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने का भार कितना होता है? तो 8 से 10 औंस होता है, कितना होता है, 8 से 10 औंस यानी कि 227 से 284 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 67 है, जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों जूडो को ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो आप सबको पता है 4 कैलोरी करता है, और 1 ग्राम प्रोटीन भी 4.2 कैलोरी, एंड 1 ग्राम वसा 9.2 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जो है वो शतरंज खेल से संबंधित है, और शतरंज में जैसे कि चेकमेट, स्लेटमेट, कैसलिंग, डिस्कवर्ड, चेक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? तो एशियाई खेलों की बात करें तो 1966 में सबसे पहले
स्वर्ण पदक भारत को प्राप्त हुआ था उस समय भारतीय टीम के कप्तान शंकर लक्ष्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 72 है, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है? तो अफ्रीका में को एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। प्रथम रोगी एड्स के 1981 में एड्स के प्रथम रोगी कैलिफोर्निया, अफ्रीका के कैलिफोर्निया में पाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों यकृत भी एक ग्रंथि है, वह स्त्रावी अग्नाशय में मिक्स्ड ग्लैंड है, हार्मोन्स एंजाइम दोनों उत्पन्न करता है। एंड जठर ग्रंथि भी है जिसमें HCL एंड पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्त्रावित होता है, जबकि वृक्क यानी किडनी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, श्वसन नलिका के अंगों का सही क्रम लिखें। तो सबसे पहले नासिका में जाता है, फिर फेरिंग्स में, फिर नेरिंग्स यानी कंठ में, फिर एल्वियोली में जाता है, उसके बाद हृदय में, हृदय के बाद कोशिकाओं में। एंड क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से किसके द्वारा सारी शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ही फिजिकल एजुकेशन की नींव को मजबूत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक होता है? तो दमा यानी कि अस्थमा रोगी के लिए भुजंग आसन ज्यादा लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि खाली समय में खेले गए खेलों में उपयोग की जाती है? तो वह होता है नेट बॉल पॉस। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है तो हिस्टोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर व बाहर ले जाई जाती है उसे टाइडल वॉल्यूम वायु की क्षमता कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 80 है, कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है तो यह सिखाने वाली क्रिया का प्रकार पर निर्भर करता है कक्षा का प्रबंधन। तो यहाँ पे ज़्यादातर अच्छा आपका ऑप्शन लग रहा है कि छात्रों में कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है उसके आधार पर हम उसका प्रबंधन बनाते हैं, तो ज़्यादा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से किसमें आत्महत्या की किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, एटम बम भी बोला जाता है, ये सफाई करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? तो 21% होता है, और नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। लेकिन श्वास में ये सभी इतने ही अमाउंट में जाते हैं लेते समय इंस्पायरेशन के समय, जबकि एक्सपायरेशन के समय ऑक्सीजन जाता है 21%, आता है 16%, नाइट्रोजन 78% जाता है, 78% पूरा का पूरा वापस आ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है वापस आता है 4.4%। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो 1991-92 से दिया जा रहा है। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है जिसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ था? तो ब्रिटिश काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा सर्वोच्च शिक्षा को कब मान्यता मिली थी? तो 1882 में मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 2002 से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है जिसमें 10 लाख धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी को भारत में सबसे पहले दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हॉकी खेल में हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? तो हॉकी में हरा, पीला और लाल कार्ड दिखाए जाते हैं, तो हरा कार्ड चेतावनी के लिए दिया जाता है, एंड पीला कार्ड
कम से कम 5 मिनट के लिए खेल से बाहर रखा जाता है एंड लाल कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को पूरे समय के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 89 है, फार्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत देती है? तो यह धीमी होने का संकेत देती है, यानी कि लाल लहराती हुई पीली झंडी चालकों को धीमी होने का संकेत देती है फार्मूला 1 में, जबकि 2 लहराती हुई पीली झंडी किसी भी समय रुकने के तैयार रहने का संकेत देती है। एंड क्वेश्चन नंबर 90 है, टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है? तो 2.7 ग्राम होता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, तो उसके अनुसार यहाँ पे 2.5 ग्राम राइट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? तो 1947 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? आप सबको पता है 6 अप्रैल 1896 में एथेंस के ओलंपिया शहर में पैनाथेनिक स्टेडियम में बैरन पीरेडी कुबर्टिन के ने शुरू किया था, इसलिए बैरन पीरेडी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 93 है, संगत जानू यानी नाकनी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है, जिसे किसके द्वारा किस योगासन से ठीक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोमुखासन। और किससे ठीक किया जाता है? सबसे बेस्ट होता है नियमित घुड़सवारी से, एंड कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन या गोमुखासन अवश्य करना चाहिए। दोनों घुटनों के बीच तकिया रखें तथा कुछ समय के बिल्कुल सीधे खड़े रहें और वर्किंग कैलिपर्स का प्रयोग करें, कार्ड लीवर आयल का प्रयोग करें। गंभीर विकृति होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है, थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग कर सीखने के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो छोटे जानवर जैसे कि बिल्ली पर प्रयोग किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, मैकलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NACH किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है ड्राई टू एचयू के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान किस भौगोलिक भौतिक यानी शारीरिक परिवर्तन को अनुभव करने की संभावना होती है? तो यह होता है बढ़ा हुआ रक्तचाप। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल जो है वह कम होता जाता है और शरीर में ऑक्सीजन अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु हृदय गति जो है वो बढ़ जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय क्या है? तो डेली बेसिस पे उचित व्यायाम और उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक अकेला नर इंपल्स उत्पन्न करता है, तो एक अकेला नर इंपल्स केवल एक बार संकुचन उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह अन्य नर इंपल्सों के अभाव में पेशी कोशिकाओं के सतत संकुचन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, तो उम्र और लिंग भेद हम पाठ योजना बनाते समय देखते हैं, घरमाना यानी कि वो भी देखते हैं, उन्नति ये भी देखते हैं, अध्यापक का अनुभव इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक 80, दोनों के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित करता है? तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है विस्फोटक शक्ति। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है, किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक होता है? तो दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता के बाद क्या किया जाता है? लिम्बरिंग डाउन यानी कूलिंग डाउन, ठंडा होना किया जाता है। किसी प्रतियोगिता के पहले गर्माया जाता है यानी वार्मिंग अप, और प्रतियोगिता करने के बाद कार्य के बाद लिम्बरिंग डाउन यानी ठंडा होना किया जाता है, जिसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है उसको कमी किया जाता है और श्वास को सामान्य किया जाता है जिसे थकावट दूर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 103 है, किस प्रकार का नेतृत्व
टीम निर्माण संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है वह होता है सामाजिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 104 है, पाठ्य योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो साधारण और समझने लायक होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता, तो स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता में लचीलापन भी आएगा, शारीरिक संरचना यानी बॉडी कंपोजिशन भी आएगा, मांसपेशी शक्ति सहिष्णुता भी आएगा, बट गति नहीं आएगा, ये मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई जो होती है वह 110×75 गज होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 107 है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है, तो दोस्तों टहलना यानी वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन ब्लड शुगर। एंड क्वेश्चन नंबर 108 है, हमारे हृदय में कोष्ठों की यानी कच्छों की कितनी संख्या है, 4 है, ऊपर के 2 कच्छों को अलिंद और नीचे के 2 कच्छों को निलय कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 109 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो हमने ट्रिक आपको बताया था, रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है, रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है, यानी कि पर आप साइलेंट कर दीजिए, उसके स्थान पर कर दीजिए र से, हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का थायमिन, ठीक है, और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल और के का फिलोक्यूनन, यानी कि इस प्रकार डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, कैल्सिफेरॉल। एंड क्वेश्चन नंबर 110 है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, तो दोस्तों प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी को वैज्ञानिक भाषा में एरिथ्रोसाइट बोला जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है, तो एपिलेप्सी जो होता है वह नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग होता है, एपिलेप्सी, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, रुधिर शर्करा भी बोला जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त रुधिर में, ठीक है, तो यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा। मध्यपट यानी डायफ्राम किसमें होता है, यह श्वास की पेशी होती है जो फेफड़ा जो है डायफ्राम पेशी पर होता है, तो सी का 1 हो जाएगा। हृदय जो है हृदय हो जाएगा, डी का 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 ये यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा खेल का उद्भव भारत में हुआ था, तो दोस्तों जैसे कि वॉलीबॉल का आविष्कार किए थे 1896 में विलियम जी मुर्गन अमेरिका में, और बास्केटबॉल का डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में, और जबकि जूडो जो है आपका जापान का राष्ट्रीय खेल है, जबकि शतरंज जो है का विकास जो है भारत में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 है, विजयन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो विजयन पत्रिका का जो प्रकाशन है वह 1864 में प्रकाशित हुआ, यानी विजयन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहते हैं। इसमें प्रतिवर्ष दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों को स्थान मिलता है। इसका प्रकाशन 1864 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन विजडन नामक क्रिकेट खिलाड़ी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 115 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो यह पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। एंड क्वेश्चन नंबर 117 है, खेल जगत में
अधिकाधिक विशेषज्ञता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को किस प्रकार बनाए क्या बनाए जाने पर अधिक अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है, तो खेल परक यानी कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बनाने में अधिक जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 है, यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है, इस परिभाषा को दिया है जेबी नैस ने। किसने दिया है? जेबी नैस ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा बिंदु शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोग करती है, तो वह है वैज्ञानिक सिद्धांत। कौन है? वैज्ञानिक सिद्धांत। एंड क्वेश्चन नंबर 120 है, यहाँ पे आपको समन्वय दिया है, शक्ति दिया है, प्रतिक्रिया समय दिया है, गति दिया है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो समन्वय आपका हो जाएगा ए का टू, यानी गतिविधि को निर्बाध और प्रभावी तरीके से करने की क्षमता को ही हम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कहेंगे, तो ए का टू डी में दिया हुआ है। शक्ति क्या है? शक्ति यानी कि शरीर को तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो बी का फोर हो जाएगा। प्रतिक्रिया समय क्या है? सी का वन हो जाएगा। उत्प्रेरणा देने और शारीरिक प्रतिक्रिया के बीच व्यतीत होने वाले समय को हम कहते हैं प्रतिक्रिया समय। एंड डी है गति। गति क्या है? डी का थ्री हो जाएगा। शरीर को तेजी से हिलाने की क्षमता ही गति है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 121 है, मानव शरीर में फार्टलेक विकसित होती है। यहां पे क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। फार्टलेक से क्या विकसित होता है? तो ताकत, क्या? सहनशीलता डेवलप करता है। जो फार्टलेक है वह सहनशीलता विकसित करता है, लेकिन यह इसका अर्थ क्या होता है? स्पीडली। तो यहाँ पे स्पीड से विकसित होता है फार्टलेक। जो फार्टलेक का शाब्दिक अर्थ होता है स्पीड प्ले होता है, स्वीडिश शब्द में इसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। लेकिन ऐसे पूछेगा कि फार्टलेक पद्धति से क्या विकसित किया जाता है, तो सहनशीलता होगा। सहनशीलता को विकसित करने की विधि है फार्टलेक। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्लेमेटाइजेशन। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होता है, तो अलग अलग जलवायु विशेषकर पर्यावरण तापमान और भौगोलिक उन्नयन में परिवर्तन हेतु किसी व्यक्ति के शारीरिक समायोजन को ही जो कोऑर्डिनेशन होता है, अनुकूलन होता है, उसी को कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 123 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है क्या? दोस्तों यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है, बट एक ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये दोनों आपके HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से कौन सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही और अनिवार्य तत्व होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक जलवायु दशाएं, ये भी आपका सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए अनिवार्य तत्व है। समाज की संस्कृति और परंपरा भी है। अधिकारियों और दर्शकों का रवैया कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो भी है। माता पिता और खिलाड़ियों का रवैया और व्यवहार, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 125 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।